अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। तो ये ज़बरदस्त सा जो सैलड है ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। अभी जो आप पैक देख रहे हैं ये बैग मंगवाया था, इंस्टाग्राम का एक पेज है ए स्टोर, वहाँ से ये बैग मंगवाया था और ये मैंने ऑर्डर नहीं किया, ये मेरी नीस ने ऑर्डर किया है। तो देखते हैं ये किस तरह का है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का बैग निकला है, ये 2500 इसकी प्राइस है। और जो इसके ऊपर स्किन यूज़ की गई है ये लेदर तो नहीं है, लेकिन जो भी है बहुत अच्छी है, बहुत शाइन वाली और बहुत नीट सा बैग है। और डिज़ाइन बड़ा प्यारा सा डिज़ाइन है, आई कैचिंग डिज़ाइन है इसका। ये देखें यहाँ पे भी ये चेन वगैरह जो भी यूज़ किया गया, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल है सारा इसका, तो बड़ा ज़बरदस्त है। तो आप रिलाई कर सकते हैं ए स्टोर से, अगर आप कुछ मंगवाना चाहें तो मोस्ट वेलकम आप मंगवा सकते हैं क्योंकि अच्छा स्टोर है। अच्छा जी, और इसके अंदर भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसके अंदर कितनी स्पेस है। तो ये भी मैं अपनी भांजी से कह रही थी कि देखो मैं तो वो भी कैमरा भी एक हाथ में पकड़ा और साथ में मैं इसको भी देख रही हूँ, तो आप काइंडली चीज़ें निकाल के तो मुझे दिखा दें ताकि मैं आराम से वीडियो बना लूँ। तो अभी जी ये मुझे अंदर से भी बड़ा पसंद आया, आपको मैं भी इसकी पॉकेट्स दिखाती हूँ। देखें ज़रा, वन पॉकेट ये है, ये देखें ये बिल्कुल उसकी जो साइड वाल कह लें उसके साथ, और काफ़ी ज़्यादा स्पेस इसमें। और नेक्स्ट जो है जो वर्किंग लेडीज़ हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो काफ़ी अच्छा बैग है। ऑन दी होल मुझे ये बैग अच्छा लगा। और अभी हम लोग फारिग हुए थे तकरीबन, घर के सारे काम ख़त्म थे तो फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना था, तो मैंने सोचा चलें ठीक है ये पैकेट ज़रा देख लूँ इसको, बैग को, तो फिर उसके बाद ना मैं डॉक्टर के लिए जाने के लिए रेडी हो जाती हूँ। तो इस बैग को देखने के बाद हम लोग डॉक्टर के पास चले गए थे, तो डॉक्टर तो मुझे मिले नहीं क्योंकि जिस डॉक्टर के पास हमने जाना था वो वहाँ पे होते ही नहीं है। डॉक्टर्स हॉस्पिटल में लैप्रोस्कोपी नहीं होती, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा क्या वाक्य में ऐसे है। और फिर उसके बाद हम लोग, ये भी मैं हॉस्पिटल में बैठी थी, फिर इसके बाद जी हम लोग चले गए थे शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल से मैंने कुछ कपड़े लिए थे वो रिटर्न करवाने थे, और इसके अलावा कुछ चीज़ें मुझे और चाहिए थी, तो फिर हम लोग शॉपिंग मॉल गए हैं। वहाँ से हम लोगों ने कुछ चीज़ें बाय की हैं। खाना मैं घर पे बना के गई थी लेकिन खाना खाने का टाइम नहीं मिला, तो इस वजह से यहाँ पे हस्बैंड गए हुए थे कुछ खाने के लिए लेने, तो अभी वो ले आए हैं बर्गर और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स हैं। तो यहाँ पे हो जाएगी अच्छी सी डाइटिंग, मेरी तो डाइटिंग की ऐसी की तैसी हो जाती है, पता नहीं क्या है, जब भी मैं डाइटिंग स्टार्ट करती हूँ ना डाइटिंग नहीं हो सकती। ऑन दी होल मुझे ये वाला बर्गर भी नहीं पसंद, मैं तो जिंगर बर्गर खाती हूँ, लेकिन आज मैंने पैटी बर्गर खाया है, हस्बैंड ये वाला ले आए थे तो मैंने कहा ये भी खा लेती हूँ। और जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी वो इस मैग्नम ने पूरी कर दी। सच्ची बात यह है कि ये मुझे बहुत बहुत पसंद है। Like a ransom note, if I give in, will you come home? I put everything I had into getting you back. I was only 17, and you were the air I breathe. I walked across the burning bridge for you, for you. Those roads we release, a hostage on a silver plate to you.
each of us was behind bars. Is it not enough that I barely got out with my life? Has to carry every sigh. Thank you.